Hi guys, welcome back to my channel, The Divine Alchemy. So today I'm going to do a channel message, that is an angel number 333. So those who are seeing angel number 333 right now, for today, from today, or you know, for past few days, it means that you are entering a new portal. It's a new cycle, okay? It's a new cycle, and 333 talks about Trinity, universe. It means Brahma, Vishnu, Mahesh, okay? To come in alignment with the universe, to be in oneness with the universe, universe ke saath aake co-create karna, okay? So I'll go and see through the cards what are the messages 333 Brahma, Vishnu, Mahesh aapko kya kehna chahte, universe aapko kya kehna chahte, kya messages hai 333 ke liye, jo log 333 dekh rahe hain, okay? So I invite Archangel Michael to please come and help me. I invite all my angels and spirit guides, universe, please come and tell me, decode, help me decode the messages of those who are seeing angel number 333. Chokure, 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 chokure. Please come and heal and energize my cards. Please clear the energies. Thank you so much. Okay. Okay, so I've laid down your cards. So guys, what I'm seeing is that currently jo log angel number 333 dekh rahe, as I told you, channel message mein it talks about new portal. It talks about coming in alignment with the universe and co-creating with the universe. Universe ke saath aake kaam karna. So currently आपका जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वो बहुत ही लाइक यू नो, आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड देख रही हो. अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, बहुत ही अकेला, बहुत अलोन फील कर रहे हो. आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस बहुत आपको इफेक्ट कर रहे हैं. आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, यू नो, लोग बाहर में जो काम कर रहे, जो शाइन कर रहे, वो आप देख रहे हो, वो अफेक्ट कर रहा है. आपके घर वाले, आपके आसपास वाले आपको जो भी कुछ बोल रहे, यू नो, ताना दे रहे, वो आपको इफेक्ट कर रहा है. यू नो, व्हाई यू आर नॉट डूइंग दिस, व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट, व्हाई यू आर नॉट डूइंग दिस, बहुत बहुत तरह की चीज़ें. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर सीइंग योर सिबलिंग्स, योर कोलीग्स एंड योर कजिन्स, एवरीबॉडी यू नो is excelling in their life, is moving forward, but your life has come to a stagnant position. You know, it's very mundane. It's not only mundane, I won't be saying ki sirf mundane hai, ki it's like बहुत ही ज़्यादा stagnant water, stuck water. मतलब जैसे पानी में बहाव होता है ना, इस पानी में ये पानी जैसे ना एकदम आपको लग रहा है कि ये पानी बह ही नहीं रहा है, एकदम stuck हो चुका है. आप ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड एंड एंग्शियस हो चुके हो. इट्स लाइक यू नो, यू आर हैव जस्ट गिवन अप ऑल योर होप्स.
रात को नींद नहीं आ रही है, सर में बहुत दर्द हो सकता है, बहुत आउटसाइड टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस है, बहुत ही ग्लूमी नेगेटिव डार्क एनर्जीज देख रही हूँ जो आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न आप में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि आपको हमेशा कंपैरिजन में आप यू नो लाइक यू आप अपने आप को ही दूसरों से कंपैरिजन करते हो, और दूसरों का भी इन्फ्लुएंसेस बहुत स्ट्रांग रहता है। यू नो एवरीबडी इज़ कमिंग एंड टेलिंग कि व्हाट यू आर डूइंग, मतलब बहुत सारा आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस का प्रेशर है आपके ऊपर। ओके, फिनेंशियली बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल, बहुत किसी का मुझे दिख रहा है कि लोन है। ओके, कुछ लोन है, कुछ ऐसा कुछ लोन है जो और आपका इनकम स्टॉप हो गया है, बिजनेस कर रहे हो तो इनकम स्टॉप हो गया है, मनी फ्लो बंद हो गया है, जिसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत ही ज़्यादा। कभी आपको लगता है यू नो कि आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपके पास दो रास्ते हैं, दो करियर ऑप्शन है, तो आप सोच रहे हो कि कौन से रास्ते पे जाऊँ, कौन से रास्ते पे जाऊँ, मैं इस रास्ते पे जाऊँ या इस रास्ते पे जाऊँ। क्योंकि आपको कहीं से भी ना, मतलब आप प्रेजेंटली जो कर रहे हो वो टोटली स्टक हो गया है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा देख रही हूँ कि आप लोग अभी जॉबलेस हो, या कोई बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस से कोई मनी नहीं आ रहा है, या लॉसेस में बिज़नेस चल रहा है, बहुत सारा यू नो बहुत स्ट्रेस्ड देख रही हूँ मैं आपको। पहले जो चीज़ बहुत अच्छा होता था, अभी इट्स लाइक यू नो रिवर्स्ड, मतलब जो चीज़ पहले आप बहुत अच्छा कर पाते थे या अच्छा उससे उस चीज़ से मनी फ्लो आ रहा था, उस चीज़ से भी मनी फ्लो आना बंद हो गया है, राइट। एंड आपका जो होप था ना, वो होप जैसे पूरा शैटर कर गया है। लाइक यू नो आपका अभी कुछ चीज़ के ऊपर कोई होप ही आप फील नहीं कर पा रहे, मतलब कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, कोई थोड़ी सी रोशनी की किरण भी आपको नज़र नहीं आ रही है। और आपको मतलब लग रहा है कि भाई अभी तो मेरे सर के पैर से नीचे ज़मीन चली जा रही है, और के सर से ऊपर से छत भी जा रहा है। इट्स लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत सीरियस, मतलब बहुत सीरियस कोई लॉस, फिनेंशियल लॉसेस में ज़्यादा फील कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। करियर में आप एकदम स्टक हो, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, एंड बहुत लाइक उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एंड प्लीज़ नोट डाउन, ब्लड लाइन हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ये जो पैटर्न है ना, ये आपके फैमिली में बहुत है, फैमिली में आप मतलब आपके दादाजी से, उनके दादाजी से, उनके दादाजी से मनी जो इश्यूज़ है ना, ये ब्लड लाइन से रिलेटेड है आपका। एंसेस्ट्रल कर्मा, एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन हीलिंग की ज़रूरत है आपको, करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है। फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड आउट, वेरी 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 स्ट्रेस्ड आउट, या आई कुड सी यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड आउट, वेरी स्ट्रेस्ड, नथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर। एंड लाइक यू नो आप जो ट्राई भी कर रहे थे, आपने वो भी होप छोड़ दिया है, मतलब कोई भी रोशनी, मैं देख रही हूँ सन कार्ड रिवर्स्ड है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ये भी रिवर्स्ड है, मतलब कोई होप ही नहीं दिख रहा है, मतलब लाइक यू नो यू हैव जस्ट गिवन अप, कुछ नहीं, इट्स लाइक दैट। ओके, योर करेंट सर्कमस्टांसेस अभी ऐसी है, एंड बहुत अकेला फील कर रहे हो, लाइक नोबडी सपोर्टिंग यू, यू अभी आपको बहुत लोगों का असली चेहरा दिखने को मिलेगा। ओके, और ये जो सिचुएशन है, ये एंजल्स ने ये सिचुएशन क्रिएट की है आपके ज़िंदगी में। ओके, ताकि आप अपना ट्रू पोटेंशियल देख सको, ट्रू पोटेंशियल में टैप कर सको। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे, एंजल ने ये सिचुएशन की है बिकॉज दे यूनिवर्स वांट्स यू टू कनेक्ट विद हिम, टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स वांट्स इट फॉर यू।
अभी आपको जो चीज़ बचा सकता है ओनली यूनिवर्स. यू आर फीलिंग वेरी टाइट डाउन. में जैसे मैंने कहा था कि आप देख रहे हो दूसरों की ज़िंदगी बहुत दूसरे आसमान में उड़ रहे, फ्लरिश कर रहे, एक्सेल कर रहे अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में, दे आर हैविंग फन, बट यू आर जस्ट सिटिंग एट योर प्लेस एंड यू सीइंग अदर्स वॉचिंग एंड सक्सीडिंग इन देयर लाइफ एंड यू आर फीलिंग समहाउ envious of their energy at the same point of time really feeling very upset because you also want to fly but you cannot though you have got the wings, okay, and the cage is open, the door is open, the okay, the door, what I'm saying, see my I'm fumbling, it means like, you know, the door is open. The door is open, but still you are sitting and seeing others watching because you don't have little bit of energy to fly, to flap your wings, because you're feeling like nothing is going to work. If I'm going to try, I'm going to fall down again because you have tried many a times, but right now you are just feeling very hopeless and very anxious. Raat ko neend bhi nahi aa rahi hai. You want to go out, explore the world, right? You want to go out and explore the world. You have got the wings. You have got the keys. And the door is opened also. It's not locked also. But you're not able to. Why? Because you're disconnected from the universe. You're not connected with the universe. Ye abhi ka portal mein hai, theek hai? But a new portal is starting. I have told ki channel message mein maine pehle hi bataya tha ki like ki ek new portal shuru hone wala hai, okay, to over there you will see changes. Yeah, jab changes hota hai, changes thoda sa tough hota hai, but trust me, it's going to be for you good. Jo bhi changes abhi hoga wo aapke behtar ke liye hoga, because I could see lot of good things. Jaise maine kaha tha वैसा ही मैं देख रही हूँ. चैनल मैसेज कभी गलत नहीं होता है. या यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू टैप इनटू टू टैप इनटू योरसेल्फ, टू ट्यून इनटू योरसेल्फ, ओके. अपने अंदर झांक के देखो. एग्जिस्टेंस के ऊपर भरोसा करो. टेंपल पाथ, they are telling you to surrender and meditate. They are, it's very important. तीनों कार्ड एक ही चीज़ मुझे बता रहा है, you need to right now surrender and meditate. Because एक बहुत जल्दी इस August के महीने में you are going to enter a new period. See this little girl and see this. It's light and it's, you know, colors of rainbows I could see. Lot of colors. Okay, it's going to be adventurous journey. Yes, definitely you are alone in this path. Why you are alone in this path? Right now you have seen the true faces of the people, okay. Nobody is supporting you in this stage of your life. So agla jo parao hai aapka, us parao mein aapko akele chalna padega. And ye jo situation create kiya hai angels ne, because to let you know that जिन लोगों को आप अपना दोस्त समझ रहे थे, दे एक्चुअली आर नॉट योर वेल विशर, दे आर नॉट योर वेल विशर. दे डिडंट वांट टू सी गुड, दे डिडंट वांट टू सी यू सक्सीड इन योर लाइफ, एक्सेल इन योर लाइफ. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नया जब पोर्टल शुरू होता है ना, उस नए पोर्टल में सारे नई चीज़ें होती है, जो टॉक्सिक चीज़ें होती है, जो ओल्ड पैटर्न्स होते हैं उसको छोड़ना पड़ता है. तो इस नए साइकिल में सारे जो टॉक्सिक लोग हैं आपकी ज़िंदगी में उसको छोड़ के आपको आगे जाना पड़ेगा. यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग लिटिल बिट अपसेट ऑल्सो because you're used to these people, but again you have to choose. The card is says number 8 card that talks about abundance, but again
you cannot be indecisive. If you will be indecisive, then you will be staying in this kind of energy, and again you will be repeating the same cycle. You have to choose for yourself what you want out of life. If you want to fly, if you want to fly like this, then you have to stay alone. You have to move forward by yourself. अगर आप ऐसे उड़ना चाहते हो तो, अगर आप ऐसे ही यहाँ पे बैठ के देखना चाहते हो सब लोग उड़ रहे हैं एंड यू आर फाइन विद इट, देन इट्स योर कॉल. बिकॉज नोबडी कैन प्रेशराइज यू एंड लेट यू डू ऑल दिस थिंग्स, राइट? अगर एंड एंजल्स आर टेलिंग यू प्लीज़ एन्जॉय दिस, ये जो न्यू जर्नी है ना, ये जो न्यू जर्नी होगी, ये जो न्यू बिगिनिंग होगी ना, आप जब एंजल के ऊपर सरेंडर करके मेडिटेट करोगे एंड ये जो न्यू जर्नी होगी ना आपकी, एडवेंचरस जर्नी जिसमें आपको डर लगेगा, एक्साइटमेंट भी लगेगा, उसमें एंजल बोल रहे हैव फन एंड हैव अ प्लेफुल एनर्जी इन दिस जर्नी, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज सारी वरीज मुझ पे छोड़ दो, हम पे छोड़ दो ना, वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. यू डोंट हैव टू सी, यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग यू हीलिंग, यू जस्ट रेस्ट एंड रेजुविनेट राइट नाउ. राइट नाउ यू आर वेरी मच एंक्शियस, सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू यू नीड टू रेस्ट एंड रेजुविनेट. ओके, सारे प्रेशर, सारे जो स्ट्रेस हैं आपके, जो लोन्स के, करियर के, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के, जो सारे फियर्स है, सब उन पर डाल दो फॉर द टाइमिंग. लेट्स एंड सी द मैजिक, देन यू विल बी सीइंग द मैजिक. बट यू हैव टू सरेंडर एंड लेट देम वर्क. आप सरेंडर नहीं करोगे तो ये लोग नहीं काम कर पाएंगे. यू हैव टू आस्क देम, ओके, एंड दे वॉन्ट टू हेल्प यू. अनटिल एंड अनलेस आप उनसे हेल्प मांगोगे, उनको हेल्प करने दोगे, वो लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे आपके. एंड सी, व्हेन यू डिसाइड टू गो मूव फॉरवर्ड अलोन इन दिस जर्नी, तब क्या होता है? सेलिब्रेशन, प्लेफुलनेस कार्ड भी बता रहा है, हैविंग फन, सेलिब्रेशन, सक्सेस, एंड व्हाट इज दिस? अबंडेंस, शेयरिंग. मतलब आपके पास इतना ज़्यादा होगा कि आप शेयर करोगे दूसरों के साथ. देख रही है ये लेडी कैसी, कितनी अबंडेंट है. सी कैसे कपड़े पहने हैं, कितनी रीगल, कितनी रॉयल कपड़े उसने पहने हैं. जूल्स देखिए उसके, उसके पीछे देखिए, सी उसके पीछे देखिए, फ्लावर्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ ब्लूमिंग. प्लेट पे देखिए, ऑल इट्स साइन ऑफ अबंडेंस, ह्यूज अबंडेंस. इतना अबंडेंस है कि वो दूसरों के साथ अपना बहुत ज़्यादा रख के भी दूसरों के साथ शेयर कर रही है. एंड शी इज़ बीमिंग light of positivity and happiness, and she is very kind and very generous too. उसके सर पे देखिए कितना अच्छा crown है, पीछे flowers भी bloom कर रहे हैं. It means everybody is supporting, stars are aligned in her favor. Kundalini balanced है, जो सारे fears है, जो सारे डर है, insecurities है, वो सब चले जाएंगे. And right now you need to work on your root chakra. It's very root chakra and solar plexus chakra. अभी आपका बहुत damage है. So you need to work on this. Wear red colors. Okay? Red colors ज़्यादा पहनिए. And please do Kundalini meditation. Okay? You can get in YouTube. I'm getting something about throat chakra. If you are someone who wants to do something in social media, like, you know, by giving, using your voice, you should try. Your throat chakra will help you to gain this success and abundance. It's again our channel message. And please guys, your root chakra पे ध्यान दीजिए. And red colors के कपड़े, red colors का खाना, apple हो गया या red color flowers हो गया, please use it. Okay?
Soon you're going to buy golden jewelries for yourself, okay? गोल्डन ज्वेलरी आपके लिए ट्रिपल 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 थ्री पोर्टल में, जैसे मैंने कहा था, आप जब यूनिवर्स के साथ मिलके काम करेंगे तभी ऐसा होगा. लेकिन अगर आप यूनिवर्स के साथ काम नहीं करेंगे, अकेले ही सारा स्ट्रेस लेंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन योर फेवर. क्योंकि ये न्यू पोर्टल इज़ टॉकिंग अबाउट यू नो न्यू बिगिनिंग्स. इट्स अ वंडरफुल बिगिनिंग. एंड प्लीज़ गो आउट, हैव फन. डोंट बी सो सीरियस, डोंट बी सो स्ट्रेसफुल. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं आप. ओके ओके, आई वॉन्ट टू यूज़ माई पर्सनल डे. या देखिए, द मैसेज इज सो मच रेजोनेटिंग. ये कार्ड देखिए, इट्स टॉकिंग अबाउट कि यू नो द के डोर इज ओपनड, एवरीबडी इज फ्लाइंग, यू हैव गॉट द विंग्स, यू कैन ऑल्सो फ्लाई विद देम, बट यू आर नॉट, यू आर सिटिंग. एंड सी दिस कार्ड, दिस इज ऑल्सो टॉकिंग द सेम. द डोर इज ओपन, द डोर ऑफ द केज इज ओपनड, एवरीबडी इज फ्लाइंग. You have got the trees, you have got the support. You can also go out and fly like this and sit over here, whatever you want to do, but you're not preferring right now because you are so much stressed. Why? See, broken heart, as I told you, very much heartbroken, very much anxious because of your current situation. Aapki current situation itni zyada, अभी आप टॉक्सिक फील कर रहे हो, आपके मतलब एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है आपका, कि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो. लाइक नोबडी इज लाइक गिविंग, क्या बोलूँ, लाइक सी माय वर्ड्स आर नॉट कमिंग आउट. व्हाई? बिकॉज मैंने कहा था कि लाइक माय वर्ड्स आर फंबलिंग. ऐसे ऐसे लग रहा है कि मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन कोई मुझे रोक रहा है. इट्स लाइक यू नो, आप इतने डिप्रेसिव एनर्जी में हो कि आप कुछ बोलना ही नहीं चाहते किसी को. मतलब मत बोलो किसी को, कुछ मत बोलो. आई डोंट वांट टू टॉक, कुछ नहीं बोलना चाहती किसी को, कुछ शेयर ही नहीं करना चाहते हो. इट्स लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आई डू अंडरस्टैंड. बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो क्योंकि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है. लाइक नोबडी इज अप्रिशिएटिंग यू और टेलिंग यू सम स्वीट एंड कंपैशनेट वर्ड्स सो दैट यू कैन फील गुड, कंफर्टेबल, यू कैन गेट द स्ट्रेंथ बैक. कोई मोटिवेट नहीं कर रहा आपको, सब आके डिमोटिवेट कर रहा है. लाइक व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर गुड, यू आर डूइंग दिस एंड दैट एंड ऑल दिस थिंग्स, ब्ला 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 एंड व्हाट नॉट. यूनिवर्स इज टेलिंग प्लीज just relax and go with the flow. Relax and go with the flow right now and surrender to the universe. You see, as I told you are feeling the water is stagnant, didn't I told you? See, this is talks about stagnant water. It means you are feeling right now your condition is stagnant. Yes, universe knows your condition is stagnant right now, but there are a lot of other things universe is also telling you. See, universe knows you are going through this hardship. मतलब बहुत ज़्यादा burden carry कर रहे हो. मैंने किसी को बोल पहले ही मैंने बोला था कि financial, तो सारे problem ही financial related है.
एंड इसकी वजह से आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत ज़्यादा हेवी लोन है किसी का, या फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा, लाइक हेवी बर्डन कैरी कर रहे हो। सी देखो, दुबला पतला सा इंसान और इतना हेवी बर्डन कैरी कर रहा है, देख के समझ में आ रहा है लाइक बहुत ज़्यादा बर्डन है, फिनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है। इमोशनल तो है, छोड़ ही दो, वो सबसे ज़्यादा आपको जो बॉदर कर रहा है वो है फिनेंशियल बर्डन, लोन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है आपकी। आई कुड अंडरस्टैंड, सी यूनिवर्स टोल्ड यू टू डाइव डीप इन टू योर सेल्फ, टू मेडिटेट एंड टू सरेंडर टू द यूनिवर्स। सी दिस कार्ड अगेन, दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेम थिंग। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट डाइव डीप इन टू योर सेल्फ। ये मछली जो होती है ना, ये सब मछली पानी के कितने अंदर होती है, ओशन की कितने अंदर होती है, उसके इतने डीप जाके इतनी खूबसूरत मछली दिखने को मिलती है ना। तो आपको अपने अंदर की गहराइयों तक जाना है और जानना है अपने आप को कि आप क्या हो, आपका पोटेंशियल क्या है। ये मछली देख रहे हो, इसको पता ही नहीं है ये क्या है, ये कितनी खूबसूरत है, बट आप देख रहे हो ना हाउ ब्यूटिफुल शी इज़। मैं देख पा रही हूँ कि हाउ ब्यूटिफुल शी इज़, है ना, कितनी कितनी खूबसूरत है, कितनी कलरफुल है, कितनी बढ़िया बढ़िया जो इसके जो साइड में फिन्स है, कितनी बढ़िया लग रहा है ना, कितनी कलरफुल, कितनी ब्यूटिफुल है। इट्स ब्यूटिफुल राइट, बट शी इज़ नॉट एबल टू सी दैट। Like that, you have got great potential, but you are not able to see it because you have not dived deep into yourself. You need to dive deep into yourself and know what is your true potential. Universe is telling you to connect with them. आप जब यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करोगे, इसका मतलब आप अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बताएंगे आप क्या हो। See, you're feeling very lone. वेरी अलोन, वेरी अलोन, वेरी लोनली, ओके। रात का वक्त ना आप पीसफुल फील करते हो, और उस वक्त में आप बैठ के ना सोचते हो अपने बारे में, आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस के बारे में, अकेले बैठ के ना चुपचाप से अपने बारे में सोचते हो, रात को नींद नहीं आती आपको। तो उस वक्त ना यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो, मेडिटेट किया करो उस वक्त, इट्स वेरी गुड टाइम उस वक्त मेडिटेट करना आपके लिए। स्पेशली जब मून साइकल्स होता है ना, तब आपका मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, जो कि मून साइकिल होता है। तो मून की एनर्जी के साथ काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आई एम फीलिंग लाइक यू नीड टू वर्क विथ वाटर्स, ओके। पानी के साथ काम कीजिए, ठीक है, लाइक यू नो पानी में वाटर अफर्मेशंस कीजिए। जब भी पानी पिए, पानी को पॉजिटिव अफर्मेशन से अफॉर्म करें, ताकि वो जब आप अपने अंदर सिप ले रहे हो ना, वो पॉजिटिविटी आप अपने अंदर अब्जॉर्व करो, ठीक है। एंड इफ यू गॉट द टाइम, प्लीज़, यूनिवर्स इज़ ऑल्सो टेलिंग यू टू कनेक्ट विथ मदर नेचर एंड वाटर। पानी आपको काफ़ी हद तक हील करेगा, लाइक यू नो अभी आप पानी के कोई जगह पे अगर जाओगे, वहाँ पे बैठोगे या पानी में पैर डुबो के रखोगे, तो यू विल फील रियली गुड, वेरी हीलिंग। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें देख रही हूँ मैंने, जैसे मैंने बोला था आपको कि लाइक यू नो यू हैव गॉट। आप जब यूनिवर्स के साथ अबंडेंस, यूनिवर्स के साथ काम करोगे, को क्रिएट करोगे, और अपना रास्ता अकेले यू नो जाने के लिए तैयार हो जाओगे ना, तब आपके लिए अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, सक्सेस है, सेलिब्रेशन है, इतना ऐसा सक्सेस है कि आप सेलिब्रेट करोगे और ऐसे स्टेज में आओगे, है ना। यू आर प्रोटेक्टेड। आप जो डर रहे हो ना अकेले जाने में, आप तो सबसे पहले अभी भी मैं जो देख रही हूँ, आप अकेले ही हो। ये जो आसपास के आपके लोग हैं, इट्स फॉर नो गुड, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको आपके इस प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में, ठीक है, जो भी चल रहा है, मतलब आपके दिल में क्या चल रहा है, आप कैसे सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ताना मारने के लिए आएंगे, ताना मारेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। तो आप अकेले ही हो, ये मत सोचो कि आपके आसपास बहुत कोई है, नहीं, कोई नहीं है, कुछ भी। इट्स अ बिटर ट्रुथ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट।
जो आपको बोल रहे हैं यू नो दे लव यू एंड ऑल दिस थिंग्स, नो यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा. मेरे कार्ड्स कभी झूठ बोलते ही नहीं है. मैंने पहले ही बोला था कि बहुत ग्लूमी, बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी है आपकी, बहुत ही ज़्यादा अपसेट, मतलब आपके अंदर अभी कोई एनर्जी नहीं है, आपने पूरा गिव अप कर दिया है. लेकिन अभी अभी आपका जो टाइम है ना, अभी आप मतलब एंड के वर्जन में हो और नया स्टार्टिंग, मतलब अभी आपका एक टेस्ट और आप पास, आपका नया बिगिनिंग शुरू. अभी गिव अप नहीं करना है. बटरफ्लाई देखा है, बटरफ्लाई यहाँ पे आके घुमंडरा रही है. यार देखो इसके पास कितनी खूबसूरत विंग्स है. बटरफ्लाई इसको बोल रही है लाइक यू आर लाइक दिस, सो स्टॉप बीइंग इन दिस पोजीशन. यू हैव गॉट ब्यूटीफुल विंग्स लाइक मी, मच मोर ब्यूटीफुल, मच मच मोर बिगर देन मी, सो व्हाई यू आर सो डिप्रेस्ड? हाँ, व्हाई यू आर सो डिप्रेस्ड? यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू टू हार्नेस योर पोटेंशियल, हार्नेस योर स्किल. आपके पास कोई ऐसा स्किल है जो आप छुपा के रख रहे हो, जो यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको हार्नेस करो. ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो, उसको शार्पन करो अपने स्किल्स को. जो भी स्किल है, लिखने का स्किल हो सकता है, पेंटिंग का स्किल हो सकता है, ड्राॅइंग का, ये सब का कुछ हो सकता है स्किल. कोई भी स्किल, कोई भी क्रिएटिव स्किल आपके पास है तो आप उसको प्रैक्टिस करो, शार्पन करो. सी, बहुत बढ़िया एनर्जी है अभी. लेकिन पता है मैं डिप्रेस क्यों फील कर रही हूँ? बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, बिकॉज आई कुड फील कि आप बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, लाइक कोई होप नहीं है, लाइक ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो गई आपके लिए. इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है, मुझे फील, मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ, मतलब ये वाली एनर्जी. बट ट्रस्ट मी, ये ख़त्म है. ये एनर्जी जो है ना, टेन ऑफ सोच की एनर्जी है. ये टेन ऑफ सोच की एनर्जी, टेन ऑफ सोच में क्या होता है ना, 10 सोच घुसा रहता है ना पीछे, और उसके बाद ख़त्म इंसान. तो यही वही एनर्जी है आपकी, ख़त्म. अब न्यू साइकिल शुरू होगा. ये ख़त्म हो गया, ख़त्म. दिस कार्ड, कैन यू सी दिस कार्ड? दिस कार्ड टॉक्स अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी. सून आपकी बॉडी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. और कुछ के लिए मैं फील कर रही हूँ, यू आर नॉट पॉजिटिव, बॉडी पॉजिटिव, बॉडी कॉन्फिडेंट, बिकॉज यू आर ऑन अ थिकर साइड और थिनर साइड, वॉट एवर इट इज़. मैं थिकर साइड ज़्यादा देख रही हूँ, तो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हो अपने आप के बारे में, बॉडी को लेके बहुत अगली फील करते हो. ऐसा लगता है कि आपकी, आप खूबसूरत नहीं, आपकी बॉडी खूबसूरत नहीं है. लोगों ने ऐसा फील करवाया ना इसीलिए. But it's not like that. The woman is oozing out so much of bright light, and see, she is so beautiful. एकदम ऐसा नहीं है. क्या transformation है यार? Happy times. Happy times. Bunny, love. Sorry, love is soon going to enter your life. फोर ऑफ वॉन्ट्स का, ये फोर ऑफ वॉन्ट्स कार्ड नहीं, इट्स टॉक्स अबाउट मैरिज सेलिब्रेशन एंड स्टेबिलिटी. मैरिज सेलिब्रेशन एंड स्टेबिलिटी, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों की शादी हो जाएगी. ओके, अगर सिंगल हो आप, शादी होने का चांसेस है, ठीक है आपका, ठीक है. कोई प्रपोज़ल मिलेगा, लव प्रपोज़ल मिलेगा, और उसके साथ आपकी शादी होगी. या कोई शादी में आप जाओगे, अटेंड करोगे, जहाँ पे आपको लव प्रपोज़ल मिलेगा. सी, कोई इंसान, ये जो आपका जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, वो आपको, वो बहुत सपोर्टिव होगा. ओके, बहुत सपोर्टिव होगा.
वो आपको सपोर्ट करेगा, और उसके सपोर्ट की वजह से आप देख रहे हो आप इतना अबंडेंस क्रिएट करोगे अपनी ज़िंदगी में, ये खुद से। वो सिर्फ एक सपोर्ट बनेगा हल्का सा, है ना। क्लाइंबर्स को क्या एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो खुद ही ग्रो कर लेता है पकड़ पकड़ के। तो इट्स लाइक दैट, आप खुद ही ना सब कुछ करोगे, वो सिर्फ बैकअप में एक सपोर्ट रहेगा स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह। ही विल मेक श्योर दैट येस यू आर फाइन एंड ओके, ही विल मेक यू फील दैट येस यू आर सपोर्टेड, यू आर लव्ड। जब ये फील करोगे ना, ये सपोर्ट फील करोगे ना किसी इंसान से, ऑटोमेटिकली आप अपने लिए ये अबंडेंस क्रिएट करोगे। और देखो ये कार्ड है ही, ये लड़की अपने लिए सब कुछ खुद बनाए, उसने खुद बनाया है। सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन कार्ड भी है यहाँ पे, है ना। आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो, तो ये मैरिज सेलिब्रेशन भी हो सकता है, लेकिन वॉट एवर यू विल बी सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस। और इतना सक्सेस, इतना अबंडेंस आपको मिलेगा कि आप शेयर करोगे, है कि नहीं। देखो कितना अबंडेंस है, तो ये डेफिनेटली शेयर कर सकते, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। और ये तो अभी भी ग्रो हो रहा है, अभी भी ग्रो हो रहा है, बंद नहीं हुआ है। और येलो एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, अबंडेंस, लाइट, पॉजिटिविटी। माय गुडनेस, बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, क्या बोलूँ। हैप्पी फैमिली। इस टॉक्सिक चीज़ों से निकल के कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, चैनल मैसेज आया, जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में आपकी जो फैमिली भी है वो आपके लिए टॉक्सिक है, तो इस फैमिली सारे मेंबर्स को छोड़ के आप दूर कहीं जाओगे। यस, मुश्किल होगी जर्नी, चैलेंज होगा ये आपके लिए, लेकिन यही आपके लिए अच्छा है, बिकॉज दिस पीपल आर टॉक्सिक इन योर लाइफ। एंड उसके बाद आपकी ज़िंदगी में हैप्पी फैमिली होगी। एंड जो लोग शादीशुदा है उन लोगों के लिए लाइक आई एम गेटिंग इज लाइक दैट, कि ये जो आप रिलेशनशिप में हो ये टॉक्सिक है, इसको ये अभी ख़त्म हो रहा है, और आप उसके बाद जो आप जहाँ पर भी जाओगे, जो दूसरा आपका रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत अफेक्शनेट होगा। ओके, सी कॉन्ट्रैक्ट कार्ड, कॉन्ट्रैक्ट कार्ड इज टॉक्स अबाउट ओनली अ एंडिंग, इट्स इट टॉक्स अबाउट को जो भी आपका, अगर जो लोग शादीशुदा हैं देख रहे हैं, आपका जो टॉक्सिक मैरिज है वो एंड होगा, ख़त्म होगा, ख़त्म होगा वो। या बॉटम ऑफ द डेक नाइफ, सारे जो कार्मिक टॉक्सिक पीपल जो है ना आपकी ज़िंदगी में, इसके साथ सारा कनेक्शन एंजल कार्ड देंगे। ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे ना एंजल्स, यूनिवर्स, कि आपको काटना ही पड़ेगा। मतलब काटना पड़ेगा कि अभी जो सिचुएशन है, मतलब लाइक डेड एंड है वो आपके लिए, इससे और बुरा कुछ हो नहीं सकता है। मतलब और कुछ बुरा नहीं हो सकता, मैं इतनी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, इससे और बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, लेट्स गेट सम कॉन्स एडवाइस फॉर यू। Pets, love, pets, अगर आप लोग pets बहुत पसंद करते हो, pets आपको बहुत पसंद करते हैं, तो please go out, spend some time with them। Animals की energy आपको काफ़ी हद तक heal करेगी, dogs, cats की energy, especially I could see a small puppy, खरीद सकते हो या आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। अगर आपके घर में है तो प्लीज़ स्पेंड टाइम विद देम।
इट विल हेल्प यू टू हील, क्योंकि उन लोगों का जो प्यार होता है ना बहुत प्योर होता है, बहुत प्योर, वो आप लोगों को काफ़ी हद तक हील करेगा। पेट्स की एनर्जी, लव, डेफिनेटली लव इज़ देयर इन योर लाइफ, आई टोल्ड यू लव इज सून गोइंग टू एंटर यू नो योर लाइफ एंड दे आर गोइंग टू गिव दिस कमिटमेंट बिकॉज आई कुड सी बॉटम ऑफ द डेक हैप्पी फैमिली ऑल्सो, राइट। सी रिलैक्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स एंड हैविंग अ प्लेफुल एनर्जी एंड लेटिंग द यूनिवर्स वर्क फॉर यू, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट गो ऑफ स्ट्रेस, यूनिवर्स बार बार बोल रहे रिलैक्स करो और स्ट्रेस को जाने दो, बहुत ज़्यादा, मतलब इस पाइल में मैं हंसी नहीं पा रही हूँ बिकॉज आप लोगों की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, लाइक इतनी ज़्यादा डिप्रेस एनर्जी है ना, मैं समझ रही हूँ क्योंकि मुझे भी ख़राब लग रहा है बिकॉज आई नो डेड एंड है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है सामने, मतलब पूरा अंधेरा हो गया, मतलब इतना ज़्यादा अंधेरा कि आपको ना पास में भी कुछ चीज़ नहीं दिख रही, इतना अंधेरा फील कर रहे, लेकिन उतने अंधेरे के बाद ही तब रोशनी दिखती है। जो भी आंसर, जो भी होप का आंसर आप ढूंढ रहे हो ना, यूनिवर्स इज सेइंग यू यस, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है यस। आपके करियर के लिए पॉजिटिव करियर या सक्सेस मिलेगा कि नहीं, यस। फैमिली लाइफ के लिए हैप्पी फैमिली लाइफ होगा कि नहीं, यस। न्यू बिगिनिंग मेरी शुरू होगी कि नहीं, यस। पॉजिटिव है बहुत, यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ही सैड, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी है। यू टू गो आउट एंड एक्सरसाइज, ओके, प्लीज़ गो आउट इन द नेचर, अपने बॉडी को मूव करवाइए थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर दोज हु आर सीइंग एंजल नंबर 333, ओके। आई होप इट्स गोइंग टू रेजोनेट विथ यू। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, तो कुछ मैसेज रेजोनेट करेंगे कुछ नहीं, तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए और जितना नहीं करता है उसको छोड़ दीजिए, इट्स सिंपल एज दैट। सो एंड रिमेंबर नथिंग इज़ रिटन इन स्टोन्स, ओके, सो लेट गो ऑफ योर स्ट्रेस एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस, एवरीथिंग इज गोइंग टू फाइन, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट मी, ट्रस्ट एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। बाय गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों को, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा हग्स, ठीक है। आई कुड फील द एनर्जी, व्हाट यू फीलिंग राइट नाउ, लव एंड लाइट टू यू, टाटा, बाय बाय।